इंडियन फियर्स डॉग्स, राजपलयम, रामपुर ग्रेहाउंड, कुमाऊं मास्टिफ, ये इंडिया की ऐसी एग्जॉटिक ब्रीड है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, जिसकी क्वालिटी और प्राइस के बारे में जानकर आप फॉरेन ब्रीड को खरीदने का ख्याल छोड़ देंगे और इन इंडियन ब्रीड को खरीदना चाहेंगे। काफी सारे इंडियन केवल बाहर के ब्रीड को लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इंडिया में भी इतने ही एग्जॉटिक ब्रीड हैं। और आज हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे ब्रीड्स के बारे में बताएंगे जिनके सामने पिटबुल और जर्मन शेफर्ड भी कुछ नहीं है। अगर आपको पिटबुल और जर्मन शेफर्ड जैसे डॉग पसंद है तो यकीन मानिए आपको इंडियन ब्रीड वाले डॉग ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज बकरवाल डॉग्स। बकरवाल डॉग्स फुर्तीले, मजबूत और सबसे घातक नस्ल के कुत्ते होते हैं। ये स्वभाव में काफी निडर और साहसी होते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में शामिल हैं। बकरवाल डॉग्स इंडिया के पीर पंजाल रेंज में ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप एक हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं और अपने घर की देखभाल के लिए एक शिकारी और एग्रेसिव नस्ल का कुत्ता ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए बकरवाल डॉग्स इस मामले में बेस्ट है। कुत्तों की ये प्रजाति इतनी खतरनाक है कि ये कई फॉरेन ब्रीड वाले कुत्तों को बुरी तरह हरा सकते हैं। ये डॉग्स लंबाई में 24 से 30 इंच के बीच होते हैं। इन कुत्तों का वजन 38 से 59 किलोग्राम के बीच होता है। ये आपको अलग अलग रंग जैसे रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड टैन आदि में मिल जाएंगे। इंडिया में बकरवाल डॉग की कीमत 2000 से शुरू होकर 6000 तक जाती है। बकरवाल कुत्ते की औसत उम्र 10 से 12 साल के बीच होती है। ये डॉग्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये अगर किसी पर हमला कर दे तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इज गद्दी कुत्ता। गद्दी कुत्ता डॉग्स इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें भारतीय तेंदुआ शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है। गद्दी कुत्ता डॉग्स दिखने में बड़े और काले शेर की तरह लगते हैं। ये कुत्ते स्वभाव से काफी अग्रेसिव होते हैं। इन कुत्तों को गार्ड कुत्ते के रूप में भी जाना जाता है जो फौज और सैनिक विभाग में इस्तेमाल किए जाते हैं। घर की रखवाली के लिए ये कुत्ते सबसे आगे होते हैं। अजनबियों को देखकर ये काफी तेज भौंकते हैं। ये कुत्ते 20 से 26 इंच के बीच होते हैं। इनका वजन 23 से 41 किलोग्राम के बीच होता है। ये लंबे और घने कोट वाले कुत्ते हैं। भारत में इन कुत्तों की कीमत 5000 से शुरू होती है। इन कुत्तों का रंग आमतौर पर गहरा भूरा या काला होता है और दांत इतने नुकीले होते हैं कि एक बार काट लेने पर इंसान की जान तक जा सकती है। इन कुत्तों की औसत उम्र 10 से 11 साल के बीच होती है। थर्ड वन इज कॉम्बर डॉग। कॉम्बर डॉग्स एथलीट डॉग्स होते हैं जो बेहद खतरनाक नस्ल के कुत्ते हैं। ये छोटे लेकिन एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। घर की रखवाली के लिए यदि आप किसी इंडियन डॉग की तलाश कर रहे हैं तो कॉम्बर डॉग को परचेज कर सकते हैं। रखवाली के मामले में ये डॉग सबसे तेज और बुद्धिमान नस्ल के कुत्ते हैं जो आपके मालिक की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अजनबी या अपरिचित के द्वारा छोड़ने पर इनका एग्रेसिव स्वभाव सामने आ सकता है। ऐसे में अपने मालिक की रक्षा के लिए कई बार ही दुश्मन पर हमला भी कर देते हैं। बात करें इन डॉग्स की फिजिकल स्ट्रक्चर की तो इन कुत्तों का कोट छोटा और चिकना होता है। इन कुत्तों की ऊंचाई 22 से 24 इंच के आसपास होती है। वहीं इनका वजन 15 किलोग्राम होता है। इनका कोट छोटा होता है। ये कुत्ते काले, हल्के भूरे और लाल रंग में पाए जाते हैं। इनका लाइफ स्पैन 12 से 15 साल तक होता है। इंडियन मार्केट में आपको डॉग्स 5000 से 9000 के बीच आसानी से मिल जाएंगे। फोर्थ वन इज बुली कुत्ता। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे रीजन में कुत्ते काफी पॉपुलर हैं। हॉन्टिंग एंड गार्डिंग के लिए भी बुली कुत्ते डॉग को खूब जाना जाता है। इन कुत्तों को गार्ड डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस नस्ल के कुत्तों को ज्यादातर सेना और पुलिस अपने पास रखती है। ये बाकी शिकारी कुत्तों की तरह हाइट में छोटे नहीं होते बल्कि इनकी लंबाई अधिक होती है जो 30 से 33 इंच तक जाती है। ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं इनका वजन 70 से 90 किलोग्राम तक होता है। इनकी कोट लंबी और मोटी होती है। ये कुत्ते कई रंगों में पाए जाते हैं जैसे कि रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड लाइट येलो। इंडिया में 10,000 तक में आपको बुली कुत्ते की अच्छी नस्ल मिल जाएगी। लाइफ स्पैन की बात करें तो इन कुत्तों की लाइफ स्पैन 5 से 12 साल तक होती है। दोस्तों, जैसा कि इंडिया में अपने घर पर रखने के लिए आजकल हर कोई फॉरेन ब्रीड्स के डॉग ज्यादा परचेज कर रहा है, लेकिन हमें इंडियन डॉग्स को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इंडिया में काफी तरह के एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं और इंडियन होने के नाते हमें इन डॉग्स को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि इन इंडियन डॉग्स में फॉरेन ब्रीड्स की तरह बेहतरीन क्वालिटीज होने के साथ साथ इनके चार्जेस भी कम होते हैं जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए हमें इंडियन डॉग ब्रीड्स को भी खरीदने पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि सिर्फ फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स ही नहीं बल्कि इंडियन डॉग्स भी कम खतरनाक नहीं है। यहाँ हमने 4 ऐसे इंडियन डॉग्स के बारे में डिस्कस किया है जो स्वभाव से काफी अग्रेसिव होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक कुत्ते हैं। इनमें से आपको कौन सा डॉग ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इतने खतरनाक इंडियन डॉग्स के ब्रीड्स के बारे में पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिल जाए चुटकियों में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। गुड बाय।